डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए बिहार मद्यनिषेध सिपाही परीक्षा जो कि आपका 27 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए आज के इस वीडियो में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछने की चांसेस है, इसलिए आप एग्जाम देने से पहले इन सभी प्रश्न को अच्छे से कवर कर लीजिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिसंबर 2021 में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। चलिए तो एक का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा, दिसंबर 2021 में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं आर हरिकुमार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न, कतई जहर प्रश्न, इस प्रश्न को अच्छे से कवर कर लीजिए। और याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा कि थल सेना का अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा वो है MM नरवानवे। और याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना के प्रमुख भी पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो विवेक राम चौधरी, जो ऑप्शन में डी में दिया गया है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा, दिसंबर 2021 में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं, तो आर हरिकुमार। इस प्रश्न को ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, नवंबर 2021 में यूएई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप किस टीम ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और कतई जहर प्रश्न है, चलिए इसका आंसर करेंगे। और अगर आपने सेशन पर क्लिक किया है तो सेशन को पूरा देखिएगा, तभी आपको फायदा होने वाला है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो दूसरे का राइट आंसर क्या देगा, जी बिल्कुल ऑप्शन चला देगा बी के साथ, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, नवंबर 2021 में यूएई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय T20 कप विश्व कप किस टीम ने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया टीम ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बिहार में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से हैं। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, आपको बताना है उच्चतम साक्षरता दर और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला। चलिए तो तीसरे का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है और न्यूनतम जो है पूर्णिया है। यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है, याद रखिएगा कि रोहतास में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 73.37% है आपका रोहतास में, और यहाँ रखिएगा पूर्णिया में जो है यह 51.08%। दोनों को ध्यान में रखना है। अगर बात करें बिहार के कुल साक्षरता दर, तो याद रखिएगा बिहार का जो कुल साक्षरता दर है वो 61.8% है, इसको भी ध्यान में रखना है। आइए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शिवाजी के प्रशासन में गुप्तचर एवं सूचना विभाग का प्रमुख कौन था। आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न आज के सेशन में इंपॉर्टेंट लिए गए, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। चलिए तो चौथे का जो राइट आंसर, अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वाकिया नवीस। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वास्को डी गामा के भारत आगमन के समय विजयनगर राज्य का शासक कौन था। चलिए फटाफट से पांच के लिए आंसर करेंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो पांच का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, नरसा नायक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पर कल्प सूत्र किसके जीवन पर प्रकाश डालती है। चलिए आंसर करेंगे छह के लिए। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है, तो छह का राइट आंसर क्या जाएगा, जी बिल्कुल ऑप्शन चला देगा सी के साथ, स्वामी महावीर। ध्यान दीजिएगा, कल्प सूत्र किसके जीवन पर प्रकाश डालती है, तो महावीर स्वामी। और ये जो कल्प सूत्र है इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का रूर निम्नलिखित में से किस पठार को कहा जाता है। चलिए सात के लिए फटाफट से आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर कीजिएगा, और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर दीजिएगा। चलिए तो सात का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। ध्यान दीजिएगा, भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। चलिए आठ के लिए आंसर करेंगे फटाफट से, और ईमानदारी पूर्वक सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देना है। तो आठ का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ। याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नौ नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। कतई जहर और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे नौ के लिए।
चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 9 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अनुच्छेद 55 से संबंधित है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है। ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए, चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 10 का राइट आंसर जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पटना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा पटना हो जाएगा जो कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार था। चलिए आंसर करेंगे 11 के लिए, सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 11 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, बंगाल गजट। याद रखिएगा ये जो है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार था, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि कब प्रकाशित हुआ, तो याद रखिएगा 1780 ईस्वी में बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था और बंगाल गजट जो है अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। चलिए 12 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 12 का राइट आंसर अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1931 में इसका पूरा डेट है, 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। फटाफट से आंसर करेंगे कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है किसके किसके बीच लड़ा गया था। चलिए तो याद रखिएगा ये जो युद्ध है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, क्या जाएगा, अफगान एवं मराठा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा पानीपत का तृतीय युद्ध जो डेट है 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था, इस डेट को भी याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। चलिए 14 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 14 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इसका जो प्रथम प्रकाशन है 1903 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न और बनेंगे उनको भी बता दिया जाएगा। चलिए पहले इसका आंसर कीजिए। चलिए तो 15 का जो राइट आंसर है अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। याद रखिएगा जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, प्रथम जो तीर्थंकर है कौन है, तो ऋषभनाथ है, इसको भी ध्यान में रखना है। ये प्रथम ऋषभनाथ है, द्वितीय कौन है, द्वितीय अजितनाथ है और 24वें जो है वो महावीर है, वर्धमान महावीर, ये ध्यान रखना है। तो 23वें अभी पूछा जा रहा है तो पार्श्वनाथ हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे 16 के लिए। फिर से बोल रहे हैं सभी प्रश्न को अच्छे से कवर कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। तो 16 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और यह हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहाल उल्क मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। फटाफट से आंसर करेंगे 17 के लिए। फटाफट से आंसर करना है, किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है 17 का ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सआदत खान। याद रखिएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या देगा, सआदत खान। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नवंबर 2021 में किस देश ने विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया। चलिए आंसर करेंगे 18 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ जाएगा, चीन। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नवंबर 2021 जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट रख सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए तो 19 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ, 10वें स्थान पर है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2020 में भी 10वें स्थान पर थे भारत, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बालाश्रम निषेध है यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए आंसर करेंगे 20 के लिए फटाफट से।
चलिए तो इसका जो राइट आंसर है, बहुत बच्चे ने बी को लगाया होगा लेकिन बी इसका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ध्यान देना है, बी को टिक नहीं करना है, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। 23 हो जाएगा, अनुच्छेद 23 से संबंधित है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए किसके लिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो 21 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, टोटल 7 चरणों में संपन्न हुए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 17वां लोकसभा चुनाव जो है ये 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक हुआ था, और वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो ओम बिड़ला, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा शक्ति देता है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। चलिए तो 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे 23 के लिए फटाफट से। चलिए तो 23 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, जी बिल्कुल ए के साथ चला जाएगा, 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ, चलिए आंसर करेंगे 24 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 1909 ईस्वी में, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, आंसर करेंगे 25 के लिए फटाफट से। और फिर से बोल रहे हैं सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा तभी आपको फायदा होने वाला है, तो 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, तो उपाध्यक्ष को, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 26 के लिए। चलिए सबसे पहले बता देते हैं कि भारत में, याद रखिएगा, भारत में टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, तो कौन कौन से राज्य उनको भी बता देते हैं। देखिए कौन कौन से राज्य, तो यूपी आपका एक हो गया, दूसरा आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया और तेलंगाना हो गया। चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। भारत में टोटल ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, कौन कौन से हैं, यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 27 के लिए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो रहा है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो चलिए 27 का जो राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, चिनूक, याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, गोदावरी है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, खाली स्थान तट के समानांतर स्थित है, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। किस तट के समानांतर स्थित है आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, याद रखिएगा पूर्वी तट के समानांतर स्थित, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नागार्जुन परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, चलिए आंसर करेंगे 30 के लिए। तो चलिए 30 का जो राइट आंसर है सी के साथ चला जाएगा, कृष्णा, याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, चलिए 31 के लिए आंसर करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, सोच समझ कर आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है सबसे पहले बताते हैं कि ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता करता है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी में है राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होता है, ये भी गलत है। 6 वर्षों के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। और राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मिनी माता रोग होता है, चलिए आंसर करेंगे किसके कारण होता है मिनी माता रोग,
चलिए तो 32 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा किसके साथ, जी बिल्कुल ए के साथ चला देगा, जल में मरकरी की अधिकता से मिनीमाता नामक रोग होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कुकेश्वर पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, चलिए 33 के लिए आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। तो 33 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ, याद रखिएगा दरभंगा। कुकेश्वर पक्षी अभ्यारण बिहार के किस जिले में स्थित है, तो दरभंगा जिले में स्थित है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, चलिए 34 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर कीजिएगा, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर है 34 का जी बिल्कुल ऑप्शन चला देगा बी के साथ, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ब्लू बेबी रोग होता है, चलिए आंसर करेंगे किस कारण से होता है बताना है आपको, चलिए तो 35 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ, जी बिल्कुल वायु में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी रोग होता है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बिहार मद निषेध सिपाही के लिए टोटल 35 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया, आप एग्जाम देने से पूर्व इस 35 प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।